24 पे मैं रत्नेश पांडे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत। देखिए बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और बिहार में शराबबंदी कानून लगते ही बिहार सरकार ने शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमाते हुए नजर आए। चाहे बातचीत कर ले, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब माफियाओं का बोलबाला बढ़ा है, ऐसे में सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये काफी चिंता का विषय बन गया है कि आखिरकार बिहार में क्या वो चीजें लगाई जाए जिससे शराब माफियाओं पर जो है वो नकेल कसी जा सकते हैं। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको सफल बनाने के लिए कई बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं, बावजूद इसके लगातार शराब माफियाओं का बोलबाला बिहार में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये चीजें बढ़ती हुई जा रही है, चाहे जहरीली शराब से मौत का तांडव देख ले या फिर जिस तरीके से अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है। शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में कई ब्रांडेड शराब जो है वो तस्करी के माध्यम से पहुंच रहे हैं, चाहे बात नदी से कर ले, चाहे बात हवाई मार्ग से कर ले या फिर ट्रेन में भी इस तरीके से देखे जा रहे हैं कि शराब कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में पहुंच रही है। चाहे ट्रांसपोर्टेशन से भी बातचीत कर ले, कई तरीके के प्रावधान लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके शराबबंदी कानून जो है कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से एक नया पैतरा आजमाया गया है। आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये दिया था कि ड्रोन के माध्यम से शराब खोजी जाए दियर क्षेत्रों में या वैसे इलाके में जहां पे अवैध रूप से शराब बनाए जा रहे हैं, वहां पे ड्रोन के माध्यम से शराब की खोजबीन की गई। ड्रोन के बाद हेलीकॉप्टर लगाए गए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी दियर क्षेत्रों में या फिर नदी के सटे हुए जो इलाके हैं, चाहे बिहार बॉर्डर की बातचीत कर ले, बिहार यूपी बॉर्डर की बातचीत कर ले, इन इलाकों में ड्रोन के माध्यम से हेलीकॉप्टर के माध्यम से शराब की खोज की गई। ड्रोन के बाद से हेलीकॉप्टर लगाया गया, हेलीकॉप्टर के बाद से अब जो है बिहार में बोट के माध्यम से एक स्पेशल तरीके का बोट है वो लॉन्च किया गया है और उस नाव की मदद से जो है शराब खोजी जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जो है बोट पर सवार हैं और बोट पर सवार होकर के जो है वो जा रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें हैं। बता दें कि पटना में जिस तरीके से गंगा नदी से पटना से सटे जो भी इलाके हैं, दियर का क्षेत्र है, दानापुर का क्षेत्र है, बक्सर का क्षेत्र है, छपरा सटा हुआ है, हाजीपुर सटा हुआ है, वैशाली सटा हुआ है, इन तमाम जगहों से जो शराब तस्कर थे वो नदी के माध्यम से यानी कि गंगा नदी से बोट के माध्यम से नाव की मदद से जो है वो शराब जो है डिलीवर करवाते थे और इसका जो है शक मिला था, जिसके बाद से ये एक स्पेशल तरीके का बोट जो है वो लॉन्च किया गया है और इस बोट पर खुद पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह मौजूद हैं और मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बिहार सरकार अब नाव के माध्यम से जो है शराब खुजवाएगी। इस बोट में खासियत ये है कि इसमें ड्रोन भी लगाए गए हैं, यानी कि ड्रोन के माध्यम से जो है वो खोजी जाएगी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विस्तृत खबर आपको देखिए हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बता दें आपको कि पेट्रोलिंग और पेट्रोलिंग में तेजी आएगी। इसमें इस बोट में जो है स्पीड मोटर बोट लगा हुआ है जो ड्रोन कैमरा, नाइट विजन, थर्मल विजन और जीपीएस सिस्टम से बना हुआ है। मोटर बोट के छत पर एक लॉन्चिंग पैड भी है जहां से ड्रोन टेक ऑफ और लैंड भी करेगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बताया कि इससे नदी गश्ती एवं छापेमारी कार्य को कुशलतापूर्वक करने में सहयोग मिलेगा। यह बोट नदी के सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करके नदी मार्ग से अवैध शराब ले जाने वालों को पीछा करेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सोन नदी में इसकी पेट्रोलिंग की सुविधाएं बढ़ेगी, नदी क्षेत्र से पेट्रोलिंग कराई जाएगी, रात्रि में भी इसकी गश्ती जो है वो की जाएगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गश्ती दल लगाया गया है। यह गश्ती दल सड़क से लेकर नदियों तक शराब की तस्करी पर गहरी नजर रखेगा। डीएम डॉक्टर सिंह ने कहा कि अवैध शराब निर्माण का पता ड्रोन से लगाया जा रहा है, सड़क से लेकर नदियों तक शराब तस्करी की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो पटना के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक खास तकनीक से बनाया गया ये बोट है, जीपीएस लेस है और इस पे ड्रोन जो है वो लगाए गए हैं और इसमें कैमरा है, थर्मल सिस्टम भी लगाए गए हैं, यानी कि जिस तरीके से कहां कहां पे शराब की तस्करी की जा रही है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी और रात भर ये सोन नदी से लेकर के जो दियर का क्षेत्र है, चाहे चाहे कई जिले जो है वो सटे हुए हैं वहां तक जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग करेगी। तो अब हेलीकॉप्टर ड्रोन के बाद से अब बोट के माध्यम से बिहार में शराब खोजी जा रही है। बहरहाल आपको आपकी क्या राय इस खबर पर देते जाइएगा। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में।
फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपके राय का हमें इंतजार रहता है। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।